नमस्कार, हम हैं धर्म दुबे और आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहते हैं। आखिर क्या वजह है कि बॉलीवुड के किंग कहे जाते हैं शाहरुख खान, जो पिछले 2 सालों से एक भी फिल्म लेकर नहीं आ रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि किसी भी फिल्म निर्माता पर अब उन्हें विश्वास नहीं है? खबर ये थी कि राजकुमार हिरानी को लेकर शाहरुख खान की फिल्म आने वाली है और जल्द ही इस फिल्म की अनाउंसमेंट की जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। अहम सवाल तो ये भी है कि आखिर क्यों शाहरुख खान खुद की फिल्म में लीड रोल नहीं निभाते हुए दूसरी जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं उसमें कैमियो दे देते हैं। हाल ही में आमिर खान, जिन्हें मिस्टर परफेक्ट कहा जाता है, उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा में शाहरुख खान ने एक स्पेशल कैमियो दिया है, लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह रही है वो क्या है, ये भी आपको हम बता देते हैं। दरअसल शाहरुख खान ने आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा में स्पेशल कैमियो देने के पीछे सिर्फ एक ही शर्त रखी थी। वो शर्त क्या है, क्या आप हमें बता सकते हैं? नहीं तो कोनो चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि शाहरुख खान ने जो शर्त रखी थी वो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है। दरअसल शाहरुख खान ने आमिर खान को कहा कि मैं लाल सिंह चड्ढा फिल्म में स्पेशल कैमियो दूंगा, लेकिन सिर्फ इसी शर्त पर कि मेरे जितने भी सीन हैं, जितने भी रोल हैं, वो सारे के सारे आप ही डायरेक्ट करेंगे। जी हाँ, आपको बताएंगे शाहरुख खान के जितने भी सीन लाल सिंह चड्ढा फिल्म में है वो सारे के सारे जो है आमिर खान ने ही डायरेक्शन उसका किया है। लेकिन जो इससे भी बड़ी खास बात है वो ये कि शाहरुख खान ने कुछ दिन पहले ही आमिर खान की फिल्म की शूटिंग कर ली थी और अभी हाल ही में वे दुबई से लौटे हुए हैं। और आपको ये भी बताया कि शाहरुख खान सिर्फ आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा में ही नहीं बल्कि रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र में और आर माधवन की जो आने वाली आगामी फिल्म है उसमें भी स्पेशल कैमियो दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं शाहरुख खान को लेकर कि वो बहुत ज्यादा डर गए हैं, अगर इसी तरह से फ्लॉप फिल्में देते रहे तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड में जो शहंशाहियत उनकी चल रही है वो खात्मे के तौर पर देखी जाएगी। साल 2018 में 0 फिल्म के साथ शाहरुख खान ने बॉलीवुड को बहुत ही महंगी फिल्म दी, लेकिन लोगों ने पसंद नहीं की और तब से ही एक नई कहानी के इंतजार में, की तलाश में शाहरुख खान लगे हुए थे। वैसे आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मित्रों, आप अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।